सबसे बड़ी खबर के साथ करें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आज आपको जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव अभिभाषण का प्रधानमंत्री संसद में देंगे जवाब, जहां बीजेपी ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है। तो सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश हैं। आज वो खास दिन जिसमें आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं, और बहुत जरूरी होता है कि उस दौरान सत्ता पक्ष के तमाम नेता मौजूद हों, और इसीलिए सभी सांसदों को सदन में रहने के निर्देश व्हिप जारी हो चुका है, यानी कि आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, मौजूद रहना अनिवार्य होगा, जिस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। आज से एमपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 10वीं की आज से शुरू हो रही परीक्षा, जहां 9,93,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो सुबह 9 बजे का समय है, दोपहर 12 बजे तक परीक्षा चलने वाली है। कल से 12वीं की भी परीक्षा होगी, जिसमें 7,14,000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। तो ये दोनों ही आंकड़े उन स्टूडेंट्स के जो इस बार एमपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ खास गाइडलाइंस जो कि आमतौर पर रहती हैं, और पहली परीक्षा प्रणाली जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय, 10वीं को लेकर सूचना, और उसके बाद कल से 12वीं की परीक्षा भी है, उसमें 7,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो देखिए, अब जो कुछ बदलाव है वो भी आपको बता दें। जहां बोर्ड की परीक्षा में किए गए कई बदलाव, एक पाली में 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे परीक्षा, और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले सेंटर पहुंचना अनिवार्य होगा। 8:45 के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री बंद हो जाएगी। तो तमाम ये गाइडलाइंस इस बार जारी की गई हैं, और आप ये देखेंगे कि एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे बाद सेंटर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बिना एडमिट कार्ड नहीं होगी छात्रों की एंट्री, छात्रों की आधार कार्ड के साथ एंट्री होगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस, जहां छात्र आधार कार्ड अपना जरूर लेकर जाएं, तभी आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलेगी। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, आज तमाम विद्यार्थियों में उत्साह जरूर होगा, पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे होंगे, किस प्रकार की तैयारियां? निश्चित तौर पर देखिए, बोर्ड के जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं एमपी बोर्ड के, वो शुरू हो चुके हैं, और इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सुनिश्चित की गई हैं, ताकि जब स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और बोर्ड के एग्जाम शुरू होने के पहले जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई, और उसके अलावा भी विशेष तौर पर बच्चों को क्लासेस दी गई थी कि किस तरह से बोर्ड के एग्जाम्स को फेस करें, कैसे आप अपनी कॉपी लिखें, कैसे आप आंसर शीट में आंसर फिल करें, ताकि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑप्टेन कर सकें। इसके अलावा अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं, जब तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करने का जो है वो काम किया गया है, क्योंकि ये भी देखने में मिला है कि पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं तो वहां पर पेपर लीक जैसे जो मामले हैं वो भी अक्सर जो है सामने आते रहे, तो इस तरीके की कोई घटनाएं ना हो, तो जो पूरा एग्जाम पेपर है जो केंद्र से एग्जाम सेंटर तक जब पहुंचता है तो उसके बीच में तमाम जो पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होता है, सुरक्षा का जो ध्यान रखना होता है, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी सहभागिता होती है, तो इन सारी चीजों का भी जो ध्यान है वो विशेष तौर पर रखा गया है। और आज से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं, जो उड़न दस्ते हैं वो भी अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचेंगे, और जो नकल के प्रकरण होते हैं, नकल की करने की जो कोशिश होती है उसको भी रोकने की वहां पर पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए, जो स्टूडेंट्स उन्हें पहले ही इस बात की हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की नकल करने से या किसी भी तरीके की गलत प्रैक्टिस से बचें, ताकि आपका एग्जाम जो है वो किसी भी कीमत पर प्रभावित ना हो। उम्मीद यही करते हैं कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम के साथ बच्चे जो हैं वो अच्छे से एग्जाम दे सकेंगे, क्योंकि 10th और 12th के जो एग्जाम्स होते हैं वो किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के लिहाज से भी काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि इसी इन्हीं एग्जाम्स के बेस पे जो आपका प्रोफेशनल कैरियर है वो उसकी एक नींव जो है वो बनती है, उसका जो एक बेस है वो बनता है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक आधार बन जाता है, प्रोफेशनल तरीके से आप एग्जाम देने जाएं, जरूर जाएं और आप ये देखें कि जो गाइडलाइंस है उनको जरूर फॉलो किया जाए। और चलिए अगली खबर कब हम रुक करेंगे, बात करेंगे आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। जी हाँ, आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा, 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। तो इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है, इसमें विपक्ष के सवालों के जवाब कैसे देने इस पर रणनीति तैयार की गई। दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस पार्टी, पहली बार इस सेशन में विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरों के सामने होगी। तो दोपहर 12:30 बजे से बजट को पेश होने को लेकर सूचना, लेकिन उससे पहले जो सत्र चलेगा उसमें जरूर आरोप प्रत्यारोप के दौर आप इस बार देखेंगे, भरपूर हंगामे के आसार। अब ये देखने वाली बात कि 9 फरवरी को बजट पेश हो, उससे पहले सत्र के दौरान क्या कुछ होता है। और रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, बैठक में बजट सत्र को लेकर ही रणनीति तैयार की जानी है। प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। मिशन 2024 पर भी रणनीति बनाई जाएगी, नेता प्रतिपक्ष के घर पर यह बैठक होने जा रही है। महत्वपूर्ण क्योंकि बजट सत्र को लेकर चर्चा हो रही है, मिशन 2024 पर भी रणनीति मंथन का दौर चलता रहेगा। तो आज बजट सेशन से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सत्र को लेकर रणनीति तैयार करना बड़ा मकसद इस बैठक का। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आज बजट सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, पूरे सत्र को लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, इस बार किस प्रकार के आसार हैं? जी देखिए, आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और कल बीजेपी की जो बैठक है, विधायक दल की हुई रणनीति, किस तरह से विपक्ष अगर कोई सवाल करता है, सदन को घेरने का प्रयास करता है, तो उसे किस तरह से माकूल जवाब दिया जाए, उसे लेकर के रणनीति है। अब बीजेपी ने पहले ही बना ली है, लेकिन आज विपक्ष में कांग्रेस है और इस नाते आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर 7:00 बजे आयोजित की गई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चुन करके आए हैं, और इससे तो किस तरह से सरकार को घेरा जा सके। हालांकि अभी सरकार को बने 1 से 1.5 माह ही हुए हैं, तो ऐसे में विपक्ष के पास खास ऐसे कोई मुद्दे नहीं होंगे। हो सकता है कि मैनिफेस्टो के आधार पर विपक्ष को जो सरकार को घेरने का प्रयास है विपक्ष करे, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अभी जितने प्रश्न लगे हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के जो भ्रष्टाचार करने के हैं उनको लेकर के लगाया गया है। तो एक तरह से सदन में हो सकता है कि जब सवाल जवाब की झड़ी लगेगी तो उल्टा सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर सके, क्योंकि पहले भी बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। तो अभी फिलहाल प्रश्न किस तरह से है इसका तो कोई जानकारी या खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि सदन है, हंगामे के पूरी आसार है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को जवाब देने की व्यापक तैयारियां है वो कर ली है, और उसी को लेकर के आज कांग्रेस भी रणनीति बनाएगी। और साथ ही साथ राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में है, तो उस पर भी जब विधायक एक साथ बैठेंगे, बड़े नेता एक साथ बैठेंगे, गहन चिंतन मंथन का दौर रहने वाला है बजट सत्र के पहले कांग्रेस की होने वाली बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक और प्रशासनिक सर्जरी आपको देखने को मिलेगी, बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, जहां राजेश गुप्ता होंगे इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर। मकरंद देउस्कर जिन्हें अब हटा दिया गया है, राजेश गुप्ता उनका प्रभार संभालने वाले हैं। प्रतिनियुक्ति पर केंद्र भेजे गए हैं मकरंद देउस्कर, लेकिन उनके स्थान पर राजेश गुप्ता को यह पद दिया गया। बीएसएफ के आईजी बनाए गए हैं मकरंद देउस्कर, वहां पर जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। लेकिन इस ओर प्रशासनिक सर्जरी पर सभी की नजर, आप ये भी देखें कि मुख्यमंत्री की सख्ती ऐसी है कि 100 से ज्यादा तबादले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश में। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने नियुक्ति की है। कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र सबनी और सौरभ सिंह को बनाया गया पर्यवेक्षक। बस्तर में मधुसूदन यादव, रजनीश सिंह और निरंजन सिन्हा
बनाए गए हैं परिवीक्षक। सरगुजा की बात करेंगे जहां पर धर्मलाल कौशिक, भैयालाल राजवाड़े और चंपा देवी पावले पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। बिलासपुर में शिवरतन शर्मा, कृष्ण राव, लक्ष्मी वर्मा पर्यवेक्षक बनाए गए। और रायगढ़ की बात जहां गौरी शंकर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह और सरला कोसरिया पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अब सुकमा जिले का जिक्र जहां नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, इसमें एक नक्सली ढेर हो गया। जवानों ने इलाके में सर्चिंग अभियान भी चलाया जिसमें एक नक्सली का शव बरामद किया गया और ये मुठभेड़ जिले के भेज्जी के भंडार पदर में हुई है। तो नक्सलियों से मुठभेड़ और इस दौरान एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। सुकमा का पूरा मामला, नक्सली का शव बरामद किया गया, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है जहां भेज्जी के भंडार पदर में ये मुठभेड़ हुई है। इधर कांकेर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी ब्लास्ट किया। सर्चिंग पर निकले जवान सुरक्षित हैं। कोई भी जवान इस ब्लास्ट से हताहत नहीं हुआ है। जवानों ने मौके से कुकर बम से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की। ब्लास्ट के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। और कवर्धा का जिक्र करेंगे जहां नक्सल मुद्दे पर बड़ी बैठक भी हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त बैठक थी। पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। रणनीति तैयार की गई कि कैसे आखिर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों पर एक्शन को लेकर ये तमाम चर्चा, महत्वपूर्ण बैठक कवर्धा में जहां नक्सल मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई थी। और कवर्धा में ये प्रमुख बैठक जहां छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र की बैठक में पुलिस अधिकारियों ने रणनीति बनाई। नक्सलियों के खिलाफ किस तरीके से कदम और उठाए जाने हैं, क्या कुछ प्लान होने वाला है, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक रही। सिवनी में चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवारों ने नीचे उतरकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो लखनवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आग की लपटें, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें चलती कार में अचानक से आग लगी और कैसे पूरी आग धीरे धीरे कर गाड़ी पर फैली और पूरी गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। तो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आग की आगोश में पूरी कार जलकर खाक हो गई। इसके पहले ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, आग को बुझाया जाता, उसके पहले ही कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। सिवनी में चलती कार में अचानक से आग लगी। और इन दोनों अंबिकापुर नगर निगम के कई इलाके ऐसे हैं जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्तों ने सैकड़ों लोगों को काटकर घायल कर दिया। आवारा कुत्तों के काटने से सहमे लोगों ने नगर निगम में ज्ञापन देकर समस्या का समाधान मांग चुके, लेकिन नगर निगम आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि कुछ प्लान जरूर बनाए गए थे लेकिन फेल साबित हुए और अब लोगों ने खुद आगे आकर ज्ञापन सौंपा ताकि उन्हें आवारा कुत्तों से बचाव का रास्ता निकाला जा सके। पानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डेली आवारा कुत्तों के द्वारा किसी लेडीज़ को या बच्चों को घायल कर देते हैं। कितनी बार कंप्लेन किया गया है, 2 बार FIR हो चुकी है, नगर निगम में भी कंप्लेन कर चुके हैं लिखित में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगभग मेरे को लगता है कि सैकड़ों लोगों को काट चुका है और लोग बहुत परेशान हैं। कल भी इसी तरीके से इस जगह पर दो महिला आई, एक बुजुर्ग सी महिला थी, लगभग 60-62 साल की महिला थी, उसको कुत्ते ने एकदम पटक पटक के जो है काटा, उनकी साड़ी फाड़ दिया। वो तो 8-10 लोग थे तो बचाए नहीं तो उसकी जान चली जाती। स्ट्रीट डॉग के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, कई लोग को काटने की भी शिकायत आई है। इस तारतम्य में पिछले समय में कुत्तों के बधियाकरण के लिए पैसा आया था लेकिन वो काम पूरा हो गया और उसके बाद में वो टीम चली गई। पुनः हम शासन को प्रोजेक्ट पुटअप करेंगे और पैसा आने पे उसको फिर उसी रास्ते पे कार्रवाई करेंगे।
खबर जांजगीर चांपा से, जहां किसानों से ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इन आरोपियों से 1,20,000 नकद, 13 ब्लैंक चेक और एक मोबाइल जब्त किया गया है। पुलिस ने यह बताया कि इन लोगों ने कई किसानों को अपना शिकार बनाया। लोग फाइनेंस बैंक से लोन दिलाने के नाम पर इस ठगी को अंजाम देते आ रहे थे। मैं आए और पैसा आगे मान 29 तारीख की, 1 तारीख की, 1 तारीख के मैं बैंक आयो तो पता चल मैसेज आई 1:11 में, तब मोर पैसा कट गया। मान लिया 1,80,000, मान लिया 1,94,000 आई, तो 1,80,000 वो कट गए। अब वो मैं सीधा बैंक गए, किसी अल बोले जैसे ऐसे बात हो 23 नंबर ब्रांच लेकर ये, तो मैं वहाँ चल दें कोरबा ले, फिर मैं यहाँ सीधा मन भेज दी नेहरू चौक में पता लगाया तो साहब मैं लिख के दे तो कर स्टेट बैंक में ओकर खाता है। ओकर बाद मैं यहाँ आए अकलतर स्टेट बैंक थाना है, तो फिर थाना वो स्टेट बैंक वाला कही कि जा रिपोर्ट FIR दर्ज करवा, तेकर बाद वो सर मन जाके मन वो ये बंद करवाई ओकर खाता उतल, तो वो दिन निकल गए ओकर पैसा है। तो थाना में साहब मन बोलवा के रिपोर्ट करी चाहे ये वाला ही से आई बर सेल कही रायपुर ले, तो फिर हम थाना आए। तेकर बाद शाम के साहब कर फिर आए 4 बजे, तो फिर FIR दर्ज करी चो मन। प्रार्थी के रिपोर्ट पर से थाना कलतरा में धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर सेल और थाना कलतरा की टीम को एक व्यक्ति तकनीकी सहायता से विश्लेषण करने पर मिला, जिसका नाम जितेंद्र बघेल था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध को घटित करना बताया गया। और ये बताया गया कि ये लोगों को KCC पर्सनल लोन इत्यादि दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, और जो ठगी का रकम प्राप्त होता था उसको आपस में बांट लेते थे। और अब जबलपुर की घटना का जिक्र करेंगे, जहां अचानक से बीच बाजार कार पलट गई। ड्राइविंग में लापरवाही से कार पलटी, कार छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर, पुलिस ने कार को सड़क से हटा दिया। गंगानगर की पूरी घटना सामने आई है। तो ये बड़ी घटना जिसे लेकर अफरा तफरी भी मची, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार चालक की हालत जानने के लिए सभी लोग आगे आए। तस्वीरें आप देखिए कितनी बुरी तरह से कार पलटी हुई आपको नजर आएगी। बीच बाजार की घटना, बात छत्तीसगढ़ में IPS अफसरों का ट्रांसफर, जहां IPS संतोष सिंह बने रायपुर के नए SP, प्रशांत अग्रवाल को बस्तर भेज दिया गया। IPS डॉक्टर आनंद छाबड़ा नवा रायपुर में पदस्थ किए जा चुके हैं। अजय कुमार यादव वो भी नवा रायपुर में पदस्थ हो चुके हैं। बद्री नारायण मीणा ये भी नवा रायपुर की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। अमरेश मिश्रा रायपुर रेंज के अब IG के तौर पर पहचाने जाएंगे। तो ये कुछ अधिकारी जिनके कामों में फिलहाल फेरबदल। छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारियों के तबादलों को लेकर सूचना है, क्या IPS अफसरों का तबादला हुआ है। अजय कुमार यादव नवा रायपुर पदस्थ किए जा चुके हैं। बद्री नारायण मीणा नवा रायपुर पदस्थ हुए हैं। और इस तरीके से सीधे रुकेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, IPS अफसरों का ट्रांसफर किया गया, डिटेल में पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए प्रतीक्षित सूची थी, बहुप्रतीक्षित सूची तबादला की, और वो जारी कर दिए गए हैं। रायपुर के SP प्रशांत अग्रवाल को बस्तर भेजा गया है। इसके साथ साथ रतनलाल डांगी जो रायपुर के IG थे उन्हें मुख्यालय अटैच कर दिया गया है, और इसके अलावा संजीव शुक्ला को बिलासपुर रेंज का IG है बनाया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो SP हैं उनका तबादला किया गया है। जांजगीर के SP विजय अग्रवाल का तबादला हुआ है, और जांजगीर के नए SP विवेक शुक्ला को बनाया गया है। IPS शशि मोहन सिंह को जसपुर का नया SP बनाया गया है। IPS विजय अग्रवाल सरगुजा के SP की अहम जवाबदारी दी गई है, जो जांजगीर पर पदस्थ है। इसके अलावा IPS रामकृष्ण साहू है उनमें बेमेतारा का SP है बनाया गया है। जो IPS जितेंद्र कुमार शुक्ला है दुर्ग का
एसपी उन्हें बना दिया गया है। आईपीएस दिव्यांग पटेल रायगढ़ के एसपी की जवाबदारी उन्हें सौंपी गई है और आईपीएस सलभ सिन्हा को जगदलपुर का एसपी बनाया गया है। इसी तरह आईपीएस जो भावना गुप्ता है उसे गौरेला पिंडरा मरवाही की जवाबदारी सौंपी गई है। सूरज सिंह को कोरिया का एसपी बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे जो आईजी है उनका भी जो तबादला किया गया है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आईपीएस अधिकारी है जिन्हें जो है मुख्यालय पर अटैच कर दिया गया है। आईपीएस अमरेश मिश्रा है उन्हें रायपुर का आईजी बनाया गया है। एक महती जवाबदारी उन्हें दी गई है। हाल ही में प्रशासन कसावट की अब उम्मीद हम रखे हैं युगल अलग अलग जिलों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात यूपी के मेरठ में एक निकाह में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया जहां झूठी शान के खातिर दूल्हे ने एक दो नहीं बल्कि 100 राउंड फायरिंग की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसका पुलिस से संज्ञान भी लिया है। 4 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। मामला कोतवाली क्षेत्र का है और आप ये देखिए लगातार एक दो नहीं बल्कि 100 राउंड फायर किए गए हैं और वैसे भी आप देखेंगे कि मना है किसी भी तरीके की हर्ष फायरिंग को लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीर मेरठ से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हर्ष फायरिंग का पूरा मामला जहां दूल्हे ने खुद अपनी बारात में एक दो नहीं बल्कि 100 राउंड हर्ष फायरिंग की, पुलिस ने संज्ञान लिया है। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं जहां भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पूरा गुलमर्ग गुलजार हो गया। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि लगातार हो रही बर्फबारी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी और ये जगह बड़ी ही खूबसूरत है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बताती है कि क्यों कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। तो तस्वीरों में आप देखिए स्नोफॉल और उसके बीच पूरा गुलमर्ग सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ, सैलानी इसी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई। मुनस्यारी के साथ ही व्यास और दारमा घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई। मुनस्यारी में हो रही बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर मजा भी लिया। तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कालामुनी और मुनस्यारी रोड पूरी तरह से बाधित है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बर्फ से पटी पड़ी है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ ही निचले हिस्सों में बारिश का दौर भी जारी है जिस कारण पारा भी तेजी से लुढ़का है। और आप देखिए कि आनंद लेते हुए मजे करते हुए कुछ लोग, पिथौरागढ़ की ये तस्वीर है। क्या नजारा दिखने को मिल रहा है। मुनस्यारी उत्तराखंड का एक टूरिस्ट स्पॉट, अल्टीमेट जगह। आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हमें जन्नत मिल गई मुनस्यारी आने के लिए। हम सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, यहाँ का लोकेशन देखिए और यहाँ पे स्वर्ग है और भोलेनाथ का मंडप देखिए। इधर ये तो जन्नत है, जन्नत है। कश्मीर, स्विट्जरलैंड सब फेल है मुनस्यारी के सामने, जन्नत है। और दुनिया का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सव भारंगप, जिसका हम जिक्र करें, 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। गुजरात के भुज में भारत रंग महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये वार्षिक उत्सव इस बार देश के 15 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। 21 फरवरी तक आयोजित भारत रंग महोत्सव में देश दुनिया के 150 से अधिक नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भारत रंग के 25वें साल में 150 से अधिक प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, चर्चाएं और 15वां मास्टर क्लास हो रहा है। तो इसके हिस्से के रूप में 4 से 8 फरवरी तक जिला मुख्यालय भुज में 5 अलग अलग नाटकों का मंचन। 4 फरवरी को बड़ौदा का नाटक उत्तर रामचरितमानस गुजराती भाषा में हुई और 5 फरवरी यानी कि आज महाराष्ट्र का स्वर्ण जयंती नाटक हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। 6 फरवरी को बंगाली भाषा में आप देखेंगे राजनीतिक हत्या को लेकर नाटक। 7 फरवरी को भोपाल में हिंदी भाषा में कनुप्रिया नाटक और 8 फरवरी को पुणे की संस्कृति मंच पर।
बलौदाबाजार में कुसमी एक ऐसा गांव है जहां अपने ही कानून है। यहां सार्वजनिक जगहों पर नशा नहीं किया जा सकता, और नशा नहीं किया जाना ये महज एक रूल नहीं है, बल्कि आप नशीला सामान बेचे भी अगर पाए जाते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जुआ, शराब, गांजा बेचने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा कई और ऐसे नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के उल्लंघन पर अच्छा खासा जुर्माना लगाया जाता है। इन नियमों का पालन लोग 40 साल से करते आ रहे हैं। जुर्माने में वसूल कर जमा की गई राशि 23 लाख तक हो चुकी है। अब इसी पैसे से गांव का विकास किया जा रहा है और चमकाया जा रहा है। अब हमारे गांव में सब ये चीज है व्यवस्थित से बढ़िया है, गांव के सियान मन बढ़िया रखे है, ये सब चीज है, नहीं बिके उके। और बेचते तो फिर क्या कार्रवाई करता? अब बेची तो 10,000 रुपये दी ही। मैं से चला था वहाँ से, मतलब जो सियान जो चला आता थे गांजा, मतलब नशा मुक्ति गाँव स्थिति है, गांजा कोई नशा पदार्थ नहीं बिके, है ना, अच्छी बात है। और बिलासपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां खनन को लेकर एक्शन मोड में परिवहन विभाग नजर आता है। चूना पत्थर की 6 क्रशर खदान सील की जा चुकी हैं। आप देखेंगे कि 6 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। पर्यावरण उल्लंघन पर 7 को नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में 18 क्रशर उद्योग सील किए गए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर ब्लास्टिंग की जाती है और इससे लोगों को काफी परेशानी थी। लोगों ने इसका विरोध किया, उनका यह कहना था कि उनके घरों में दरारें आ गई हैं और कई उनको नुकसान झेलने पड़ चुके हैं। इतनी तेज ब्लास्टिंग होती है कि कई लोगों के तो कान के पर्दे तक फट चुके हैं। तमाम ये शिकायतें लेकर कई बार वे ज्ञापन सौंप चुके थे और अब पर्यावरण उल्लंघन पर 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रति खदान में 500-600 प्लास्टिक होता है, बंद करो।